नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की अवस्थाओं के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कंप्लीट लाइब्रेरी का निर्माण कर रहा हूं, ऑनलाइन लाइब्रेरी जिसमें आप किसी भी प्रकार के टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और उसकी पूरी पुख्ती जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके पूर्व के वीडियो में जैसे हमने अयन क्या है, ऋतु, तिथि, पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, नक्षत्र का फल, जन्म करण क्या होता है, जन्म योग क्या है, आपकी योनि का फल क्या है, गण क्या है, नवांश चक्र आदि अनेका अनेक टॉपिक्स पे हमने बात किया है। जैसे हर राशि की आयु, वार आयु, चंद्र से हर भाव में जब कोई ग्रह रहते हैं तो उसका क्या फल होता है, द्वादश भावों का फल भी हमने जाना, और इस प्रकार के और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो आम तौर पर आपको YouTube में देखने को नहीं मिलते, और वो ज्योतिष शास्त्र के बिल्कुल फंडामेंटल ज्ञान है, बिल्कुल एक एलिमेंट्स है जिसको जोड़कर एक संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। तो उसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम बात करेंगे, जो है ग्रहों की अवस्था। कई लोगों का यह मानना है कि ग्रहों की डिग्री का फल या ग्रहों की डिग्री का मान्यता आपकी कुंडली में कोई रोल प्ले नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि वह मान्य है, बट कई चीज़ों से वह भ्रमित है। तो यह जो ग्रहों की अवस्था है, यह इन्हीं डिग्रियों के ऊपर आधारित है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो ग्रहों की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था का अर्थ है स्टेज या फिर एज। जिस प्रकार हर इंसान का अपना एज होता है, कोई बच्चा होता है, कोई टीनेजर होता है, कोई एडल्ट होते हैं, कोई वृद्ध होते हैं, तो उसी प्रकार आपकी कुंडली में भी हर ग्रहों का अपना एक अवस्था है और वह ग्रह उसी अवस्था के अनुरूप अपना फल प्रदान करते हैं। यह अवस्थाएं क्या क्या हैं यह हम जानते हैं। तो टोटल ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक है बाल्य अवस्था, दूसरा कुमार अवस्था, तीसरा युवा अवस्था, चौथा वृद्धा अवस्था और 5वां है मृत अवस्था। तो यह अवस्थाएं कब बनती हैं, यह अवस्था का निर्माण किस प्रकार से होता है यह हम जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट वाइज सभी ग्रहों की अपनी अवस्था होती है। जैसे मंगल कुमार अवस्था के हैं, बुध बाल्य अवस्था के हैं, बृहस्पति युवा अवस्था हैं और उसी प्रकार शनि वृद्धावस्था हैं। पर आपकी कुंडली में इन्हीं ग्रहों की डिग्री वाइज अपनी अवस्था होती है। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी ये बताएं कि मेरी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग निर्माण होता है पर वह फलित क्यों नहीं होता। तो इसका रीज़न यही ग्रहों की अवस्था है। वो कैसे, वो हम आगे जानते हैं। तो ग्रहों की अवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक भाव को जानना होगा। किसी भी भाव में टोटल 30 डिग्री होता है। जैसा कि मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि आकाशमंडल को अगर 365 डिग्री मानते हैं तो उसको 12 भाव भाग में डिवाइड करते हैं तो एक भाग आपका 30 डिग्री का हुआ। तो वही भाग आपका एक भाव है, एक राशि का मान है 30 डिग्री। तो उसको हमने 6-6 डिग्री में डिवाइड किया है हर अवस्थाओं को। जैसे कि विषम राशि में 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह रहे तो वह बाल्य अवस्था में है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि विषम राशि क्या है और सम राशि क्या है। राशियों में देखा जाए तो 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक विषम राशि जिसे हम पुरुष राशि भी कहते हैं और एक सम राशि जिसे हम स्त्री राशि भी कहते हैं। तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये सभी विषम राशियाँ हैं। और सम राशि है वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। अर्थात ऐसी राशियां जो 2 से डिवाइडेड हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी सम राशियां हैं। और जो 2 से डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सभी विषम राशियां हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये 0 से 6 डिग्री तक अगर कोई ग्रह विषम राशि में रहे तो वह बाल्य अवस्था में है, और उसी प्रकार अगर आपके सम राशि में कोई 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह है तो वह मृत अवस्था में है।
आप एक टेबल को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी तरीके से वर्णित किया है कि विषम राशि में कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन से ग्रह रहने पर कौन सी अवस्था होती है। मैं एक बरवली बोल दे रहा हूँ आपको, विषम राशि में 0 से 6 डिग्री तक कोई ग्रह रहे तो वह बाल अवस्था में है और सम राशि में 0 से 6 डिग्री रहने पर वह मृत अवस्था में है। उसी प्रकार विषम राशि में 6 डिग्री से 12 डिग्री तक कोई ग्रह है तो वह कुमार अवस्था में है या फिर उसे तरुण अवस्था भी कहते हैं, और सम राशि में 6 से 12 डिग्री तक रहने पर कोई ग्रह वृद्धा अवस्था में होता है। उसी प्रकार 12 से 18 डिग्री में कोई भी ग्रह हो, चाहे वह विषम राशि हो या फिर वह सम राशि हो, वह युवा अवस्था में ही होता है। विषम राशि में 18 से 24 डिग्री तक कोई ग्रह हो तो वह वृद्धा अवस्था में है, और सम राशि में 18 से 24 डिग्री तक कोई ग्रह है तो वह कुमार अवस्था में है। उसी प्रकार विषम राशि में 24 डिग्री से 30 डिग्री तक कोई ग्रह रहने पर वह मृत अवस्था में है, और सम राशि में 24 से 30 डिग्री होने पर वह बाल्यावस्था में है। तो यह आपने देखा कि यह बिल्कुल अपोजिट है, सम और विषम। विषम में अगर कोई ग्रह बाल्यावस्था में है तो वही ग्रह अगर सम राशि में रहे तो वह मृत अवस्था में रहेगा, लेकिन इन दोनों राशियों में विषम और सम में 12 से 18 डिग्री तक कोई ग्रह रहता है तो वह युवा अवस्था में रहता है। तो यह अवस्थाओं का मतलब क्या है, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था क्या होता है। ग्रहों की अवस्थाओं का पूर्ण प्रभाव ग्रहों के फल पर पड़ता है। ग्रह किस प्रकार से फलित होंगे आपके जीवन में वह उनकी अवस्थाओं से निर्धारित होता है। हम देखेंगे अगर कोई ग्रह बाल्य अवस्था में है तो उस ग्रह से रिगार्डिंग जो भी फल आपकी कुंडली में बन रहा है वह 3 गुना कम हो जाता है, वह बिल्कुल कम फल आपको प्रदान होता है क्योंकि वह ग्रह बाल्यावस्था में है। उसी प्रकार कोई ग्रह अगर तरुण अवस्था में है या कुमार अवस्था में है तो ग्रह अपना आधा फल प्रदान करते हैं, जिस भी प्रकार का फल वो बन रहा हो, चाहे वो राजयोग ही क्यों ना बन रहा हो तो वो राजयोग बिल्कुल आधा मिलेगा आपको। और कोई ग्रह अगर युवावस्था में हो तो आपको उस योग का, उस ग्रह से रिलेटेड जो योग बने हैं आपकी कुंडली में उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है, अर्थात ग्रह अपने युवावस्था में पूर्ण फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार वृद्धावस्था में ग्रह पाप फल को देने वाले होते हैं और मृत अवस्था में ग्रह सबसे अनिष्टकारक होते हैं, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु को भी देने वाले होते हैं मृत अवस्था में जो ग्रह होते हैं। तो दोस्तों ये तो जाना आपने वराहमिहिर और पराशरा जी के द्वारा रचित ग्रंथों में यह आपको मिलता है इन अवस्थाओं के बारे में, लेकिन कई अन्य जातक ग्रंथ हैं जिसमें ग्रहों की अवस्थाओं का अलग उल्लेख दिया हुआ है। जैसे कई ग्रंथों में हम यह पाते हैं कि कोई ग्रह अगर अपनी सम राशि में है तो वह अति बाल्यावस्था में होते हैं, मतलब बिल्कुल चाइल्डहुड, एकदम छोटे बच्चे अगर कोई सम राशि में हो। अगर कोई ग्रह अपने मित्र राशि में है तो वह बाल्यावस्था में होते हैं। अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हों तो वह कुमार अवस्था में होते हैं, और कोई ग्रह अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों तो वह युवा अवस्था में होते हैं। उसी प्रकार कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो वह राजा के समान माना गया है, और कोई ग्रह अगर अपने शत्रु राशि में हों तो वह वृद्धावस्था में है, और कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में अति नीच स्थिति में बैठा हो तो वह मृत अवस्था माना जाता है। तो यह तो हुआ अन्य जातक ग्रंथों का तर्क, लेकिन आमतौर पर हम इन डिग्री के कंसेप्ट को ही मानते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि एक ग्रंथ है जिसमें यह कंसेप्ट आपको मिलता है कि ग्रह अगर सम राशि में है तो वह अति बाल्यावस्था में है, और मित्र राशि में है तो वह बाल अवस्था में है। इसी प्रकार जो मैंने आगे आपको फल बताया, कई ग्रंथों में हमें यह भी प्राप्त होता है कि ग्रहों की 3 अवस्थाएँ होती हैं जिसको आचार्यों ने सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था का नाम दिया है। तो इसको हमने किस प्रकार डिफाइन किया है वो हम देखेंगे। एक राशि में जैसा मैंने बतलाया आपको कि 30 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक कोई ग्रह अगर आपके किसी भी राशि में विराजमान हो तो वह सुप्तावस्था में है। सुप्तावस्था का अर्थ है सोने की अवस्था, वह निद्रा में है।
अगर कोई ग्रह मध्य के खंड में है अर्थात 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंश में है तो वह स्वप्नावस्था में है, और अंतिम के खंड अर्थात 20 डिग्री से 30 डिग्री में कोई ग्रह है तो वह जागृत अवस्था में होता है। इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन हमें सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ में मिलता है, जिसमें हम यह समझ सकते हैं कि कोई ग्रह अगर अपने उच्च राशि के नवांश में स्थित है तो वह ग्रह जागृत अवस्था में है, अगर कोई ग्रह अपने मित्र राशि के नवांश में है तो वह स्वप्नावस्था में है, और अगर कोई ग्रह अपने नीच या शत्रु राशि के नवांश में है तो वह सुप्तावस्था अर्थात निद्रावस्था में है। तो यह नवांश क्या है, इसको जानने के लिए आपको मेरे नवांश के वीडियो को देखना होगा कि एक राशि का नवांश क्या होता है, हम नवांश को किस प्रकार समझ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक आम तौर पर बात की जाए, एक बेसिक बात की जाए जो जन प्रचलित है, तो हम इस डिग्री के कंसेप्ट को जानते हैं कि अगर विषम राशि में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री तक है तो वह बाल अवस्था में है, और सम राशि में 0 से 6 डिग्री तक है तो वह मृत अवस्था में है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पूर्व के भाग में बतलाया। तो दोस्तों, ग्रहों के इन अवस्थाओं का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि इस डिग्री का, ग्रहों की डिग्री का कितना बड़ा प्रभाव आपके कुंडली में पड़ता है। अगर आपका आत्मा कारक ग्रह, अगर हम जैमिनी सूत्र में बात करें तो उसमें एक आत्मा कारक ग्रह होते हैं, अर्थात कोई भी ग्रह जो सबसे हाईएस्ट डिग्री को होल्ड करता है राहु को केतु को छोड़कर, तो वह आत्मा कारक ग्रह होता है। तो वह ग्रह अगर आपके मृत अवस्था या वृद्धावस्था में है तो यह कन्फर्म है कि इस जन्म में आपका इनलाइटनमेंट नहीं हो सकता, या फिर आत्मा की जो चीज़ें हैं उससे आप साक्षात्कार नहीं हो सकते। तो इन विषय पर मैं आगे की वीडियो में बात करूंगा कि यह ग्रहों की अवस्था का किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर कोई दशा चल रही हो तो उसे भी हमें उनकी अवस्थाओं को देखना होगा, साथ ही कई अन्य चीज़ों को भी देखना होता है, लेकिन यह अवस्था को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले वीडियो में हम ग्रहों की अवस्थाओं का प्रभाव आपकी कुंडली में जानेंगे, और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे ग्रहों का मित्रता और शत्रुता। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं और कौन से ग्रह किस ग्रह के शत्रु हैं, तो इसके ऊपर भी हम संपूर्ण रूप से बात करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.